बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक दवा सेक्लेमन के बारे में बताऊंगा। आपने ये मिसाल तो ज़रूर सुनी होगी कि आंखों के आगे तारे आ गए। दर हकीकत ये अलामत होम्योपैथिक की ये दवा सेक्लेमन के अंदर है। मेरी कोशिश ये है कि मैं वो तमाम होम्योपैथिक की अद्वियात अपने नाज़रीन के सामने पेश करूँ जो कि इंसानी ज़हन के अंदर ख्यालात पैदा होते हैं, उसकी अलामतें होती हैं, और फिज़िकली तौर पे जो अलामतें बंदा अपने डॉक्टर्स को नहीं बता सकता, उन अलामात को छोटी से छोटी भी यहाँ पर ज़ाहर कर दूँ ताकि अगर कोई उन अलामात के मुताबिक अपनी अद्वियात इस्तेमाल करता है या होम्योपैथिक डॉक्टर्स उस हाईलाइट होने की वजह से पेशेंट्स की उन अलामात को समझ के मेडिसिन देते हैं और उसको फ़ायदा होता है, तो मुझे भी ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। क्योंकि मेरी ये मेरा मिशन है कि आसान होम्योपैथिक पूरे पाकिस्तान के अंदर की जाए ताकि लोगों को ये बात समझ आए कि होम्योपैथिक के अंदर आप अगर अपनी खुलकर अलामात डॉक्टर्स को बताते हैं तो उन अलामात के अकॉर्डिंग जो जो मेडिसन मौजूद हैं अगर वो इसको इस्तेमाल करवाया जाए तो होम्योपैथिक के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और तीर बहादुर हैं। तो आज हम बात करते हैं सेक्लेमन के बारे में। आंखों के आगे तारा आ जाना और मुंह के जाके का नमकीन होना, अगर किसी पेशेंट्स के अंदर ये अलामत हो तो डेफिनेटली उसकी जो मेडिसिन बनती है वो सेक्लेमन ही बनती है। सेक्लेमन और पल्साटिलास की बहुत सी सिम्टम्स आपस में मिलती हैं, लेकिन सेक्लेमन की एक ख़ास निशानी वो यही है कि उसको आंखों के आगे तारे महसूस होते हैं। जिस तरह की होम्योपैथिक की दूसरी दवा पल्साटिला के अंदर खाना खाने के बाद मैदे के अंदर मरकन गजाओं के बाद तकलीफ बढ़ जाती हैं, इसी तरह सेक्लेमन के अंदर भी ये अलामत मौजूद है। इसके साथ साथ ख़वातीन के अंदर गमगीनी, माहवारी का बहुत ज़्यादा आना, हर वक्त जिस्म का थका थका रहना, ये भी सेक्लेमन की अलामत में से है। और ख़वातीन को ही माहवारी के दौरान एड़ियों में दर्द होता है, खिंची खिंची रहती हैं, झुंझलाहट का शिकार होती हैं, ऐसी ख़वातीन को ये सेक्लेमन की जो पोटेंसी है बहुत जल्द आराम दे देती है। और ख़वातीन के हवाले से एक ख़ास सिम्टम्स मैं और भी यहाँ पे बता देता हूँ कि जिन ख़वातीन को बग़ैर हमल के यानी बच्चा पैदा किए बग़ैर ही उनकी छातियों के अंदर दूध उतर आता है, जो कि एक बहुत तकलीफ़ का बाइस भी होता है, ये उसके लिए भी बड़ी अच्छी काम करने वाली होम्योपैथिक दवा है। आप इसको छोटी ताकतों के अंदर इस्तेमाल करें, 30 के अंदर इस्तेमाल करवाएं, सुबह दोपहर शाम 8 से 10 कतरे, तो ये इन तमाम अलामात को कंट्रोल करती है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।